हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। देखो, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, नेम से क्लियर है, प्राइवेट कोई पर्सन मिलके करते हैं। और पब्लिक कंपनी जहाँ पे आईपीओ होता है, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दूसरों को ऑफर करते हैं, पब्लिक इन्वेस्ट करती है। इसमें ये है मेन डिफरेंस। आके डिटेल्स में डिफरेंस करें तो फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मेम्बर्स। कम से कम दो मेंबर तो प्राइवेट कंपनी में चाहिए ही चाहिए। अगर आपने कोई बिजनेस करना है, आपको एक पार्टनर चाहिए, दोनों मिलके स्टार्ट कर दो। और लेकिन इसमें 50 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। जब इम्प्लॉयज़ और पास्ट और प्रेजेंट इम्प्लॉयज़ की बात नहीं करें, उसको इंक्लूड नहीं करना इसमें, अदरवाइज़ 50 मेंबर्स नहीं हो सकते। तो प्राइवेट कंपनी में क्या हो गया, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अभी डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स चाहिए, 2 मेंबर्स भी चाहिए एंड 2 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए। ये तो सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अ डायरेक्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने डायरेक्टर बना दिया, उनको रजिस्ट्रार से कंसेंट कर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, ये वो कुछ नहीं, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। तो थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम होगी ना पब्लिक में, सॉरी प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी है ये, प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम होगी। पब्लिक की बात करें तो इसमें मस्ट फाइल, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार अ कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड टू टेक देयर क्वालिफिकेशन शेयर्स। ये पब्लिक कंपनी है, ये अपनी मर्जी नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको फाइल करना ही पड़ेगा डायरेक्टर को, जितने भी डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर यानी कि एक पर्सन का शेयर है, वो दूसरे को दे देता है, अपना टाइटल दे देता है कि अभी मेरा नहीं, ऑनरशिप तुम्हारी हो गई, ऐसे अपनी मर्जी से दे रहा है, चाहे इंसॉल्वेंट हो रहा है, चाहे डेथ हो रही है, या कुछ भी ऐसे। ये सारा कुछ प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं है। यहाँ लिखा है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इम्पोजिस रिस्ट्रिक्शन है ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो इसका डिफरेंस करें ना दोनों में, तो दूसरे का क्या होगा, ऑपोजिट होएगा ऑब्वियसली, वो फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिफ्थ इज इनविटेशन टू पब्लिक। ये तो आपको नेम से क्लियर हो जाएगा, पब्लिक कंपनी में ही इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को, तो ऑपोजिट क्या होएगा, प्राइवेट कंपनी में इनवाइट नहीं कर सकते, सिंपल। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट में क्या है कि अगर आपको लीगल परमिशन मिल गई तो आप उस इमीडिएटली अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं है, अगर आपको जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, जब तक आपको नहीं मिल सकता, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता, तब तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस। अभी 6 डिफरेंस किए हैं, अभी और डिफरेंस हैं। नेक्स्ट इज कोरम। इसमें क्या है कि अगर कुछ बिजनेस में चेंजेस करने हैं, कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, तो उसने उसको करने से पहले इसमें डिसाइड करना है कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग में। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2 मेंबर्स भी होंगे ना, ओनली 2 मेंबर्स उसमें चलेगा, 2 ही चलेगा, ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखना। पब्लिक में हमेशा ज़्यादा मेंबर्स हैं प्राइवेट से। नेक्स्ट इज स्टेटरी मीटिंग। इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट टाइम मीटिंग करना जो पब्लिक कंपनी में ही होती है, फर्स्ट मीटिंग जो होती है, फिर ऑब्वियसली वो लाइफ टाइम में एक ही बार होएगी ना। और ये कब होनी चाहिए, विद इन 1 to 6 मंथ्स। ओके, तो ये पब्लिक कंपनी में इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, बट प्राइवेट में कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट इज 9th मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि वो पब्लिक अगर शेयर्स इशू करती है तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जिन्होंने बोला है कि मिनिमम इतने होने चाहिए, उतने नहीं हुए,
तो भी प्राइवेट कंपनी को इतनी फ्रीडम है कि वो अलॉटमेंट कमेंस कर सकती है। बट अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, जब तक उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते। बाई चांस उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो वो मनी रिफंड कर देंगे, जितने भी सब्सक्राइब किया होगा उनकी मनी रिफंड कर देंगे। लास्ट वन इज़ इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है कि न्यू शेयर्स जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स पहले से मेंबर्स हैं उनको इशू करने हैं, ऐसा कोई नहीं, मैंडेटरी नहीं है। बट पब्लिक कंपनी में है, दे रिक्वायर टू ऑफर द न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स फर्स्ट। जो पहले से ही मेंबर है सबसे पहले उनको ऑफर करना है, देन दूसरे मेंबर्स को, न्यू मेंबर्स को ऑफर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।